खबर लेने रायकोट तो रायकोट नगर कौंसल चोणां लई कांग्रेस पार्टी दे उम्मीदवारां ने नामजदगी पत्र दाखल कीते। रायकोट नगर कौंसल चोणां लई अज कांग्रेस पार्टी दे उम्मीदवारां वल्लों हलका इंचार्ज कामल बोपा राय की मौजूदगी दे विच अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए गए। इस मौके ते हलका इंचार्ज कामल बोपा राय ने गलबात करदिआं दस्सिआ कि पिछले 10 सालां विच अकाली भाजपा गठजोड़ वल्लों रायकोट शहर के विकास वल बिल्कुल ध्यान नहीं दिता गया, जबकि उन्हां वल्लों कांग्रेस सरकार आउण ते उन्हां वल्लों पुरजोर विकास कार्ज करवाए जा रहे ने। होर की गलबात हुई है, आओ सुणदे आं। मेरा नाम सुदर्शन कुमार जोशी है जी। अज साढ़े 15 कैंडीडेटा का उन्होंने मुझे बुला के इकट्ठे उन्होंने कागज़ भरने वास्ते असं अज एस डी एम दफ्तर जा रहे हैं। तो विकास के नाँ पर असी यह जड़ा अज का एजेंडा साडा विकास के नाँ पर असी डॉक्टर साहब जी के हाथ मजबूत करेंगे। असी 4 नंबर वार्ड तो कैंडीडेट हाँ। देखो असी पहले भी नगर कौंसल जो पिछलियां नगर कौंसलों तो वखरा ही किया सीगा, वो साडा काम बोलदा वा। तो अज असी डॉक्टर साहब की रहनुमाई दे विच वधिया काम चल भी रहा तो गाहां नूं चलदा भी रहूगा। पिछले कई सालों तो रायकोट की नगर कौंसल के मैंबर की खरीदो फरोख्त का काम चलता आ रहा है, कि लगता भी इस बार इस चीज़ को विराम लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि पहले असी सिंबल ते नहीं इलैक्शन लड़े थे। सिंबल का मतलब होंगे भी जे कोई साडा मैंबर कोई गलती करता तो वो मैंबरशिप खत्म हो जूगी, हूँ वो बिल्कुल नहीं होगा। एक कुछ पार्टियां वालों साझा मोर्चा बनाया गया जिसे अपने प्रधान ग्रुप कांग्रेस पार्टी वालों सपोर्ट की जा रही है, कोई सानू तो असर नहीं दिंदा दिंदा ना, सानू ऐ लग रहा भी साडा कोई विरोध करूगा जिहड़े साडे विचों गए ने कांग्रेस। मैं अपने ये मोढ़िया ते गोढ़िया तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू ही रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भूलो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील